pleasure to introduce Dr. Nitin Bighne, psychologist, career counselor, and trainer. He, as a psychologist, is associated with Nagpur Police, Indian Air Force, CRPF, CISF, All India Radio, schools, colleges, and many more companies. He has represented India for yoga and culture to USA, France, Switzerland, Belgium, and Thailand. His unique achievement is that he has transformed 33 murderers into yoga teachers from Nagpur Central Jail, for which received global awards in 2006. He is the managing director at Smart Finishing School, Laksh Career Counseling and Aptitude Testing Center, International Institute of Research in Psychology and Health Sciences, International Institute of Yoga, Naturopathy and Drugless Therapies. Namaskar. Hello everyone. My name is Dr. Nitin Bighne and I am here to present a program on stress management, a smart ways to fight stress and depression. This program is specially being organized on the invitation of Dharampet Science College Botany Department of Nagpur City, Dr. Pitambar Humne sir, who is the in charge and father of the program, online program Botany for You. Smart ways to fight stress एंड डिप्रेशन. किसी की नौकरी चली गई, किसी की जान चली गई, किसी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि कोविड के बाद में जो सुधर गए इनकी तबीयत ठीक हो गई, उनको भी उसके आगे भी कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है. तो किसी की जान गई, किसी की रोटी गई और किसी का चैन गया, किसी का अपना गया. तो ऐसी स्थिति में ये स्पेशल प्रोग्राम जो है ये हमारे विद्यार्थियों के लिए है. और विद्यार्थी जिनको अलग अलग किस्म के स्ट्रेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसी सूरत में उन बच्चों को हेल्प करने के लिए हम आपके सामने, आपके सेवा में उपस्थित हैं. हमारे शरीर का जो डिज़ाइन है कितना पुराना है. मैं हमारे एज की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे शरीर का डिज़ाइन, द बॉडी डिज़ाइन इज क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ ईयर ओल्ड. तो जैसे कि आप अपडेट लेते हैं, सॉफ्टवेयर के अपडेट्स लेते हैं, मोबाइल में अपडेट्स आते हैं, वैसा अपडेट हमारे बॉडी डिज़ाइन में नहीं आता है. और यही इम्पोर्टेंट कारण है जिसके कारण हमें साइकोसोमेटिक डिसीजेस या बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. देखिए, आदि मानव के काल में, करोड़ों साल पहले, जब आदि मानव जंगल में चल रहा है और उसके ऊपर किसी शेर ने छलांग लगा दी, उसकी जान खतरे में, तो उस समय उसके मन में, उसके शरीर में जो होता है वो आज भी होता है क्योंकि डिजाइन वही है. तो उस जमाने में स्ट्रेस किस कारण आ रहा था? जान बचाने के लिए. शेर ने छलांग लगाई तो क्या हुआ? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. मतलब क्या? अगर हमें शेर से जूझना है जान बचाने के लिए तो हम जूझेंगे और नहीं तो भागेंगे. और दोनों सूरत में क्या होता है? एड्रेनालिन सिक्रीशंस होते हैं, कॉर्टिसोल सिक्रीशंस होते हैं, जिसके कारण खून का बहाव ज्यादा से ज्यादा हमारे कंधे से लेके उंगलियों तक और कमर से लेके पांव की उंगलियों तक ज्यादा हो जाता है. इस कारण से थोरैसिक रीजन, मतलब गर्दन से लेके हमारे नाभि तक या कमर तक का जो एरिया है उसमें ब्लड सप्लाई कम होता है और ऐसी सूरत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकल पड़ते हैं. तो स्ट्रेस में क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम का हल निकालना है. हमारे स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा स्मार्ट फिनिशिंग स्कूल है जिसमें हम स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, तो हम क्या बताते हैं उनको? व्हाट यू डोंट नो यू कांट मैनेज. जिस चीज का आपको पता नहीं उसको आप बहुत अच्छा मैनेज नहीं कर सकते. किसी भी चीज को अच्छा मैनेज करने के लिए उसके बारे में पता करना जरूरी है. तो अगर स्ट्रेस से जूझना है, डिप्रेशन से फाइट करना है, तो हमें उन दोनों को पहले समझना पड़ेगा. तो उसके लिए पहली बात क्या थी कि अपडेट्स बॉडी के डिज़ाइन में नहीं आते हैं, बॉडी का डिज़ाइन पुराना है और उसके ऊपर जो डिमांड्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और इस कारण हमें स्ट्रेस से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. तो ऐसी सूरत में क्या होता है? आगे देखिए कि हमारा जीवन घड़ी से बंधा हुआ है. सुबह से लेकर शाम तक हरीज एंड वरीज से हम घिरे हुए रहते हैं. ये एक तो कारण है, पर इसके अलावा ये देखना जरूरी है कि और क्या परिणाम होते हैं स्ट्रेस के. हमने कहा ना कि व्हाट यू डोंट नो यू कांट मैनेज. तो चलिए जानते हैं स्ट्रेस के बारे में. इट अफेक्ट्स एचपीए एक्सिस
एंड ऑल 11 बॉडी सिस्टम्स। आप कल्पना कीजिए, परात देखिए, परात किचन में जो आटा भूनने की परात रहती है, वो परात में आटा रखा हुआ है ऐसा, और बीच में जगह बनाई है पानी डालने के लिए। कल्पना कीजिए, हम पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि वो आटे की जो दीवार है वो दो तीन जगह से टूट जाती है। क्यों टूटती है वो दीवार वहां से? क्योंकि वहां पे आटे की दीवार कमजोर थी पहले से ही, और इसलिए जब तनाव बढ़ा, पानी के बहाव का, पानी का प्रेशर बढ़ा, तो वो दीवार टूट गई। ठीक ऐसे ही हमारे बारे में भी होता है, हमारे साथ होता है, जब तनाव रोज आ रहा है, रोज आ रहा है, रोज आ रहा है, कभी कम कभी ज्यादा आ रहा है, तो कभी ना कभी बाय डिफॉल्ट, मतलब जन्म से, बाय बर्थ, हमारे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सिस्टम्स, 11 सिस्टम्स में से कोई ना कोई सिस्टम्स हमारी पहले से ही कमजोर रहती है, और वो सिस्टम जवाब दे जाती है। आपको हम दिखा रहे स्क्रीन पे कि किस तरह से हमारे टोटल 11 सिस्टम्स रहते हैं, और ये सिस्टम्स में से अलग अलग सिस्टम आपके आंखों के सामने आपको दिख रही है। ये सिस्टम, जो सिस्टम वीक होगी, जो कमजोर होगी, वो जवाब दे देगी। जैसे दो तीन जगह से पानी टूट गया है, दीवार टूट गई है, इसका मतलब क्या है, हमारे भी शरीर में अगर किसी का एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम कमजोर है, तो उसमें 8 प्रकार की ग्लैंड्स आती हैं, उसमें समझो पैनक्रियाज है, उसमें अगर कुछ पहले से प्रॉब्लम था तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये सिस्टम को समझकर उसके लिए जवाब ढूंढना पड़ेगा जो आपके सामने है। अब देखिए, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो इसका बुरा असर आपके लिवर पे पड़ता है। अगर आप दुखी हो जाते हो, वीक हो जाते हो, तो आपके लंग्स के ऊपर उसका असर होता है। और जब आप बहुत चिंता करते हो, टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, तो आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे मम्मी को बोलते हैं, मम्मी एग्जाम है, तो वो एग्जाम के बारे में बात नहीं करता, वो क्या बोलता है, मम्मी मेरा पेट दुख रहा है, मम्मी मेरा सर दुख रहा है। इसका मतलब क्या है, उसकी वो सिस्टम पहले से ही कमजोर है जो जवाब दे रही है स्ट्रेस के कारण, बिकॉज ऑफ एग्जाम फोबिया। तो इस कारण से हमारे जो विद्यार्थी दोस्त हैं, वो भी समझ लें कि अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर उसका गहरा और गलत असर पड़ता है। इसके अलावा हार्ट और ब्रेन के ऊपर तनाव पड़ता है, किडनी कमजोर हो जाती हैं, अलग 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 सिस्टम पे उसका गहरा असर होता है। तो इसलिए एसिडिटी, अस्थमा, ओबेसिटी, IBS मतलब इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम, या फिर कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, डायबिटीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज, साइलेंट किलर बोलते हैं इसको। अभी अभी ठीक था और अभी हार्ट अटैक से गराया, तो ऐसा कब होता है, जब ये स्ट्रेस आपके ऊपर हमला करता है, और वो डेली करता है, आप समझे या ना समझे, स्ट्रेस से हम सभी लोग घिरे हैं। तो इसलिए ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस के कारण हमारी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन हो जाती है, मतलब क्या, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, रोग से फाइट करने की शक्ति कम हो जाती है। तो इसलिए ये आपको जान के सुन के खुशी होगी कि अगर हम खास तौर पे 3 केमिकल्स का ध्यान रखते हैं, कौन से केमिकल्स, इसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं, और टोटल 65 भावनाओं में से 3 भावनाएं, अलग अलग कारण से जो खुशी होती है, वो 3 भावनाएं हमारे मन को शांत रख पाती हैं। और जब स्ट्रेस होता है तब ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स का परसेंटेज ब्रेन में कम हो जाता है, मतलब उसके सिक्रीशंस कम हो जाते हैं। कौन से ये 3 केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसमें से एक है नॉरएड्रेनालिन, जो आपका एनर्जी, अलर्टनेस और कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान रखता है। उसके अलावा हमारा इम्पल्स और एंग्जाइटी का कंट्रोल करता है, और दूसरा है सेरोटोनिन, जो हमारा मेमोरी पावर और किसी चीज को करने की लगन, ज्यादा या बहुत ज्यादा या अनावश्यक ज्यादा या फिर कम, ये सब सेरोटोनिन के ऊपर निर्भर होता है। इसके अलावा हमारा सेक्सुअल फंक्शन और हमारी भूख लगना और गुस्सा आना ना आना, ये भी सेरोटोनिन कंट्रोल करता है। इसके अलावा डोपामाइन जो है वो हमारा एक्सरसाइज के ऊपर बहुत कंट्रोल करता है, और हमारे सेक्सुअल फंक्शन पे भी डोपामाइन बहुत असर करता है। तो इस प्रकार से अटेंशन और मोटिवेशन पे भी डोपामाइन कवर करता है। तो ऐसे समझने के लिए आपके आंखों के सामने हम इमेज दिखा रहे हैं, जिसको देख के आप समझ जाएंगे कि किस तरह से ये तीनों सिक्रीशंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी करते हैं
उन दोनों उन तीनों के कुछ कंबाइन परिणाम भी होते हैं और कुछ अपने अपने अलग अलग परिणाम भी होते हैं, पर ध्यान रखना पड़ेगा इनका परसेंटेज, इनका सिक्रेशन स्ट्रेस के कारण कम हो जाता है। तो इसलिए अगर हम स्ट्रेस को दूर करेंगे तो इनका सिक्रेशंस नॉर्मल हो जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रेस जो है हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारा मन और हमारा बिहेवियर के ऊपर गहरा असर करता है। और बहुत बार बहुत लोगों को शिकायत होती है जिसको लोग कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन को कुछ लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि निराशा, न्यूनता, मंदी, शक्तिहीनता, उदासी, गड्ढा, विषाद, अवनमन, ग्लानी, दबाव, बेदिली, हताशा। WHO इन्होंने 2 साल पहले खास इसके लिए एक पूरा साल पे थीम दी थी, इसका नाम था डिप्रेशन लेट अस टॉक। 7 अप्रैल को WHO हेल्थ डे रहता है, तो उस दिन भी उसके लिए विशेष प्रोग्राम का आयोजन बहुत पूरे दुनिया में किया गया था। तो उसमें वो टाइटल ऐसा रखा है कि उसमें उपाय भी दिया है, डिप्रेशन लेट अस टॉक। मतलब जिसको डिप्रेशन होता है उसने अपना डिप्रेशन को कम करने के लिए अगर वो बात करेगा किसी से, एक्सपर्ट से बात करे, अपनों से बात करेगी, तो उसको कम किया जा सकता है। ये तो टाइटल में ही छिपा है। अब डिप्रेशन से होता क्या है, लॉस ऑफ हेल्थ, साइकोसोमेटिक डिसीजेस, पुअर परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में, इसके अलावा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी क्योंकि ध्यान नहीं रहता है, और इसके अलावा कभी कभी जब बहुत एक्सट्रीम स्टेप कुछ लोग लेते हैं तो लॉस ऑफ लाइफ भी होता है, मतलब वो कभी कभी सुसाइड भी करते हैं। तो इसका असर हमने बताया कि अलग अलग लेवल्स पे होता है। तो इमोशनल लेवल पे इसका असर क्या होता है, लो मूड, एम्प्टीनेस, खाली खालीपन, एंगर और रिजेंटमेंट, एंग्जाइटी मतलब चिंता, शेम मतलब शर्म, और गुनाह किया है कोई तो उसकी कंटिन्यूस भावना, गिल्ट कॉन्शियसनेस, ये बढ़ जाता है। इसके अलावा कॉग्निटिव, बहुत डेंजरस इफेक्ट होता है डिप्रेशन का कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या है, 5 इंद्रिय, शब्द, स्पर्श, रूप, पर सगंध, मतलब आंखों से देखना, नाक से सूंघना, जीभ से टेस्ट लेना, स्किन से टच को महसूस करना, कानों से सुनना, ये जो 5 इंद्रिय हैं, और 6ठा इंद्रिय मन, ये 6 इंद्रियों से जो हम दुनिया को समझते हैं, ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसकी जो क्षमता है उसको नाम दिया है कॉग्निशन। तो ये कॉग्निशन के पावर्स कमजोर हो जाते हैं डिप्रेशन के कारण, जिसके कारण पुअर कॉन्सेंट्रेशन, निगेटिव आइडियाज अबाउट सेल्फ एंड अबाउट द वर्ल्ड, और इसके अलावा निगेटिव आइडियाज अबाउट द फ्यूचर, मतलब हताशा, कुछ होना नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे तो उसके बारे में बोलेंगे कुछ होना नहीं है, ऐसा ही है, वो खराब है, ऐसा खराब है, इसी के ऊपर फोकस करेंगे, अच्छों की बात नहीं करेंगे और अच्छे चीजों की बात भी नहीं करेंगे। ऐसे में उसका और दूसरा इफेक्ट हो जाता है लोअर्ड एक्टिविटी। उसके अलावा सोशल विड्रॉवल, दुनिया से दूर होते हैं। हमारे पास कई केसेस आते हैं डिप्रेशन के, कॉमन देखा गया है, सभी केसेस में कॉमन देखा गया है वो ये है कि ये लोग, अगर बच्चा है उसको कोई डिप्रेशन आ गया है, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया है, तो बेल बजे घर की तो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, मम्मी पापा जा रहे हैं किसी शादी के रिसेप्शन में, बोलेगा आप जाओ हम नहीं आते हैं। तो ये सब अलग अलग चीज़ें बाद में बढ़ती रहती है और वो व्यक्ति दुनिया से, लोगों से दूर जाने की कोशिश करता है। इसके अलावा एजिटेशन और रिटार्डेशन, मतलब क्या, वो बहुत गुस्सा तो करेगा मगर साथ में इसके कारण उसका जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो रुक जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग कभी कभी सब्सटेंस मिसयूज करते हैं, मतलब एडिक्शन में फंस जाते हैं, गांजा लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और इस कारण वो और बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। इसके अलावा जानबूझकर किसी और का या खुद का नुकसान करना, यहाँ तक कि कभी कभी सुसाइड भी अटेम्प्ट करना ऐसे लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर डिप्रेशन हावी हो गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल, जो हमने थोड़ा इसका रेफरेंस पहले दिया था कि बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं डिप्रेशन के और स्ट्रेस में, क्या आता है उसमें, स्लीप डिस्टर्बेंस, मतलब आपकी जो नींद है उसकी क्वालिटी और काम, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में प्रॉब्लम आ जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ठीक से नहीं लगती है या बहुत ज़्यादा लगती है, या लॉस ऑफ लिबिडो, जो लोग मैरिड हैं उनको फिर सेक्स करने की इच्छा नहीं रहती है,
क्योंकि डिप्रेशन और स्ट्रेस के वो शिकार हो गए हैं। मतलब जो स्ट्रेस के कारण खाते नहीं हैं वो दुबले हो जाएंगे, उनका वेट लॉस होगा, और जो स्ट्रेस के कारण बहुत खाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्ट्रेस आता है बहुत खाते हैं, तो ऐसे लोगों का वेट गेन हो जाता है। इसके अलावा चेंजेस इन सर्कैडियन रिदम, सर्कैडियन रिदम का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर का बायो क्लॉक या बॉडी क्लॉक, कब उठना, कब सोना, कब भूख लगना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सर्कैडियन रिदम से होती है, तो ये सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे बहुत सारे रोगों की निर्मिति उनके शरीर में हो जाती है। इसके अलावा उनका जो मोटिवेशन लेवल है उस पर असर पड़ता है, उदासीन रहते हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, और उनकी एनर्जी हरदम कमज़ोर रहती है, इंटरेस्ट भी कम रहता है अभी बताया, और पॉइंटलेस लगता है उन्हें करने में, क्या होना है, कुछ होना नहीं है, इस प्रकार की निगेटिव बातें ये लोग करते हैं। इसके अलावा ये समझना जरूरी है कि ये डिप्रेशन किस अवस्था में जनरेट होता है, इसका जन्म कैसे होता है, तो उसके तीन अलग अलग मार्ग देखे गए हैं, जिसमें पहला मेन रीजन अलग होता है, बाकी फार्मूला वही रहता है। देखिए आपके सामने आ रहा है ये चार्ट में, देखिए डिप्रेशन जनरेशन प्रोसेस बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस, मतलब कोई आप अपेक्षा करते हो किसी से, तो अपेक्षा खुद से या दूसरों से करते हो और उसका अपेक्षा भंग हो गया, तो अपेक्षा भंग हो गया तो निगेटिव रिजल्ट आ गए, मतलब जो नहीं जाते थे ऐसे रिजल्ट आ गए, तो ऐसी सूरत में वो जो रिजल्ट आए हैं उससे ये लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, जो चेंजेस उसके कारण आ गए हैं उन चेंजेस को ये लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसमें हम कहते हैं उनको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो जाता है, उसके आगे फिर डिप्रेशन और फिर ये नेगेटिव साइकिल, विशियस साइकिल चालू हो जाता है। दूसरा कैटेगरी आपके सामने है अचानक कुछ हो जाना, मतलब एक्सपेक्टेशन का भी कोई संबंध नहीं है, अचानक कुछ घटनाएं घट जाती हैं, तो अचानक घटनाएं घटने के कारण भी कुछ लोग ये अचानक जो चेंज होते हैं उससे कोपिंग मैकेनिज्म उनका काम नहीं करता है, उसको वो एडजस्ट फिर से नहीं कर पाते हैं, और फिर मैंने कहा फिर से वही टेबल शुरू हो जाता है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, डिप्रेशन एंड विशियस साइकिल। तीसरा कारण है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब बाय डिफॉल्ट जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो आप ही आप हो गया है, आपके शरीर का जो भी फिजियोलॉजी है उसके चलते या बायोकेमिस्ट्री है उसके चलते कुछ केमिकल चेंजेस या कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी, म्यूटेशन भी होते हैं कभी कभी, जेनेटिक म्यूटेशंस भी कभी कभी होते हैं, जिसके कारण अचानक से ये बदलाव आ जाते हैं और फिर से वो इम्बैलेंस के कारण उनका बिहेवियर पूरा बदल जाता है। जो लोग बहुत शांत थे, किसी से ज़्यादा गलत बात नहीं करते थे, वो अचानक गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, या अचानक वो बहुत सोना शुरू कर देते हैं, या अचानक बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो काम करना बंद कर देते हैं, तो ऐसे अलग अलग रिजल्ट बिहेवियर में दिखते हैं, मगर प्रॉब्लम वही है कि वो इम्बैलेंस हो जाता है न्यूरोलॉजिकल, जिसमें वो व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है, वो आप ही आप हो गया है, और उसके कारण वो अडाप्ट नहीं कर सकते, उसे फिर से उन चीज़ों को अडाप्ट नहीं कर सकते हैं, और फिर वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब इसमें करना क्या है, तो एक चेकलिस्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ डिप्रेशन को फाइट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। उसमें का नंबर वन कारण क्या है, नंबर वन रूट क्या है, नंबर वन तरीका क्या है, ऑब्जर्व, एनालाइज एंड इंटरप्रेट। हम हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को बताते हैं ओ ए ओ ए फार्मूला। ओ ए ओ ए मतलब क्या, ओ ए आई, ऑब्जर्वेशन, एनालाइज और इंटरप्रीट। तो उसका ठीक से निरीक्षण करो कि मुझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसका निरीक्षण करो, फिर उसका अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से एनालिसिस करो और फिर एक निचोड़ निकालो, तो उसमें से हमें मदद मिलती है डिसीजन मेकिंग के लिए, फिर हम उससे बाहर निकल सकते हैं। दूसरा है हमारा जो आसपास का वातावरण है उसका बहुत गहरा असर हमारे ऊपर होते रहता है। अगर ये निगेटिव एनवायरमेंट का रिजल्ट आपके ऊपर हो रहा है तो उसका असर आपके ऊपर हो रहा है, तो आप एनवायरमेंट को बदलो। मतलब कैसा, अगर दोस्तों से तकलीफ हो रही है तो उन दोस्तों के साथ मत मिलो जिनसे आपको तकलीफ हो रही है, दूसरे दोस्तों को मिलो जो आपको खुशी देते हैं या जो आपकी सुनते हैं या जो आपको हेल्प करते हैं, ऐसे लोग या ऐसे फ्रेंड्स के साथ आप जाओ और ऐसे वातावरण में आप जाओ। साथ में और एक बात देखो, प्रकाश और हवा अच्छी होनी चाहिए, मतलब प्रॉपरली वेंटिलेशन होना चाहिए और प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। इसके अलावा
जिस कारण से वो हो रहा है, हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, एनालिसिस कर लिया और इंटरप्रिटेशन निकाल लिया, तो हमें पता चल गया कि कारण क्या है, तो उस कारण को कम करो। जिस कारण से आपको ये तकलीफ हो रही है उस कारण को निकालने की कोशिश करो। और उसमें एक बात और करो, आपको अगर डिसिप्लिन नहीं है तो डिसिप्लिन लाओ, क्योंकि 35 साल की प्रैक्टिस में हमने क्या देखा है, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं या जिनको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उनमें यह देखा गया है कि उनका जीवन बहुत इरेग्युलर है, कब उठना कब सोना पक्का नहीं है, और अगर पक्का है तो गलत समय पे हैं, रात भर जाग रहे हैं दिन भर सो रहे हैं, तो एक तो गलत समय है या फिर रेगुलर रूटीन नहीं है। और एक बात, जो हर वक्त सेल्फ सेंटर्ड है, हर दम खुद की बात सोचते हैं, खुद के बारे में बात करते हैं, कोई भी मिलता है तो उसका नहीं पूछेंगे, खुद का ही बताएंगे कि मैंने क्या किया, खुद का प्रॉब्लम बताएंगे या फिर सक्सेस बताएंगे, मतलब हर दम वो सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, तो जो ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए आप सोसाइटी का हिस्सा हो, मैन इज सोशल एनिमल ऐसा कहा जाता है, तो हमें ये ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरमेंट को चुनें, अच्छे लोगों को चुनें और उनके साथ सोशली अपने फैमिली के साथ और उनके साथ कनेक्टेड रहें। उसके अलावा उनसे बात करें, अगर आप बात ही नहीं करते हैं तो तनाव बढ़ते जाता है। अगर वो आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके दोस्त हैं या आपके सुपीरियर, अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके सुपीरियर हैं या आपके जूनियर हैं, जितनी आपकी बात कम होगी, जितना कम्युनिकेशन कम रहेगा, उतना स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, तनाव बढ़ने की संभावना है। मगर बात करना मतलब कुछ भी बात नहीं करना, उसके लिए कब करना बात, कैसे करना, कितनी करना, ये सब समझ में आना चाहिए, जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके लिए आपको 7 दोस्तों का फायदा मिलता है। कौन से 7 दोस्त? उसमें से 6 W's हैं और 1 H है, मतलब 6 बीबियां और 1 हस्बैंड। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इन विच कंडीशन, विथ हुम, ये हैं W's। और हाउ, ये अगर आप समझ लाते हैं कम्युनिकेशन के बारे में या कोई भी विषय के बारे में, तो आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं, जिससे आपका डिप्रेशन और स्ट्रेस कम हो सकता है। इसके अलावा आपको जिन चीज़ों में खुशी मिलती है, हॉबी, खुद के लिए कुछ ना कुछ समय निकालना जरूरी है। कंटिन्यूस बिजी रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम रहता है, कुछ ना कुछ समय खुद के लिए निकालना बहुत जरूरी रहता है, जिस समय आप बिल्कुल अकेले रहें, शांति से बैठे हैं, मेडिटेशन करें या खुद की कंपनी को एंजॉय करें। खुद की कंपनी का मतलब ये नहीं मोबाइल लेके बैठ गए, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ वीडियो देखने लगे, ना, कोई भी स्क्रीन नहीं, लैपटॉप नहीं, टीवी नहीं और मोबाइल नहीं, इसको बाजू में रख के शांति से खुद की कंपनी को एंजॉय करो, मतलब खुद के लिए समय निकालो, थोड़ा मेडिटेशन करो या अपने भविष्य के लिए सोचो, जो अच्छा है बुरा है उसके बारे में सोचो, मतलब स्वॉट एनालिसिस करो, आपकी स्ट्रेंथ्स कौन सी है, आपके वीकनेसेस कौन से हैं इसको देखो, और फिर आपको उसके कारण रास्ते नजर आएंगे, कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी और के बारे में सोच रहे हैं कि इसको स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, तो उसको बताओ, और अगर आप खुद उसमें हैं तो खुद को बताओ कि देयर इज अ होप, दिस इज नॉट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, देर इज स्टिल होप, देर इज स्टिल वे टू फाइट डिप्रेशन एंड टू मैनेज स्ट्रेस। ये आप उनको बताओ, खुद को भी बताओ। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि उनके पास में टेक्निकल नॉलेज है, टूल्स है, टेक्निक्स है, जिसके भरोसे वो आपको 100% हेल्प कर सकते हैं। कितना फीसदी? 100%। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी नेचुरल टूल्स, कुदरती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कुदरती कैसे है? सिर्फ सांस छोड़ते समय बात कर रहा हूँ, सांस लेते समय हम बात नहीं कर सकते हैं, कुदरती है। क्या बताना चाहता हूँ मैं? जब कुदरती रूल्स का आप आधार लोगे, तो आप कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन ढूंढ पाओगे और वो 100% काम करेगा। इसके आगे खुद पे
बहुत ज्यादा क्रूर होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स भी होना सीख लो और डोंट प्रेशराइज फॉर रूट कॉज विच इज कॉजिंग अ स्ट्रेस और डिप्रेशन। और एक बात आपके सामने हम दिखा रहे हैं, इसमें हैं दो टाइप की पर्सनालिटीज, जिसमें ए टाइप है और बी टाइप है। ये जो ए टाइप है ये हरदम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं और बी टाइप है ये स्ट्रेस कम लेते हैं। और स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहा है दुनिया का, जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे काम करते हैं या जो लोग बड़े बन जाते हैं बिजनेस में या किसी फील्ड में, ये देखा गया है कि उसमें से ज़्यादा लोग ए टाइप के हैं। क्या करते हैं ए टाइप, ये एग्रेसिव रहते हैं, एम्बिशियस रहते हैं, सभी चीज़ों को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव रहते हैं, कॉम्पिटिशन के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं और अपने स्टेटस के बारे में बहुत सोचते हैं। आपने सुना होगा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इसके पीछे फिर और खुद का स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं। इसके अलावा वर्कहोलिक्स रहते हैं, बहुत 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 काम करते रहते हैं, रिलैक्स नहीं करते हैं, और उसके आगे वो उनको होस्टाइल नेचर उनका दिखने में आता है, देखने में आता है। मतलब क्या, वो तुरंत चिढ़ जाते हैं या तुरंत गुस्से में आ जाते हैं और पेशेंस कम रहता है। तो ऐसा जिसमें पाया जाता है उस व्यक्ति को बोलते हैं ये ए टाइप पर्सनैलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि सब ए टाइप के ही पूरे होंगे या कोई बी टाइप के ही पूरे होंगे, ए टाइप और बी टाइप के मिक्सचर भी रहते हैं। तो बी टाइप में क्या है, ये रिलैक्स रहते हैं, लेस स्ट्रेस रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, इमोशनल रहते हैं, बहुत भावुक रहते हैं, कोई दुखी बात सुनते हैं या कोई दुखी सीन देखते हैं टीवी पे तो इनके आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और एक्सप्रेसिव रहते हैं, अपनी बात बोल देते हैं, और बात बोल देते हैं इसलिए मन में तनाव का कारण नहीं रहता, तनाव हल्का हो जाता है। हाँ, और एक बात हम बहुत बार बोलते हैं हमारे प्रोग्राम्स में भी, जो बच्चे या जो अभी पेरेंट्स भी हो चुके होंगे, बड़े उम्र में बढ़ गए होंगे, वो भी देखें कि जिनको पहले से आदत थी बचपन से स्कूल के समय से कि आज है ना मम्मी हमारे स्कूल में ये हुआ, आज है ना वो हुआ, ऐसा जो रिपोर्ट देते रहते ना अपने पेरेंट्स को या ब्रदर्स को या बहन को भाई को किसी को भी दोस्तों को जो बताने का जिनका स्वभाव रहता है ना, इनमें तनाव कम रहता है। जो पूरा मन में रखता है उसमें तनाव बढ़ जाता है और कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए कुछ ए का पार्ट और कुछ बी का पार्ट, दिस विल बी अ हेल्दी कॉम्बिनेशन फॉर योर बेटरमेंट। और थोड़ा सा छठवां इसमें प्रॉपर्टी बताया है, हैव ए लेड बैक एटीट्यूड। मतलब लेड बैक एटीट्यूड का मतलब क्या है, हाँ ठीक है देख लेंगे क्या होता है, डोंट वरी देख लेंगे, ये एटीट्यूड उनका रहता है। अब ये जो तनाव है ये कौन से रूप में सामने आता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो आपके सामने बता रहा हूँ। किसी का वेट लॉस, किसी का वेट गेन, किसी को इनडाइजेशन पचन नहीं होना, किसी को जल्दी थकान आना, किसी को चिड़चिड़ बढ़ जाना, किसी की गर्दन यहाँ पे पीछे भाग से दुखना, या जो कंधे के चपटे हड्डी रहते हैं ना उसको स्कैपुला बोलते हैं हम लोग, वो स्कैपुला के नीचे पेन होता है पीठ में। इसके अलावा हेडेक, इसके अलावा फॉरगेटफुलनेस, कुछ बात बताओ भूल जाते हैं, पहले नहीं करते थे अभी कर रहे हैं, मतलब तनाव उसमें ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है। इनसोम्निया मतलब नींद का प्रॉब्लम, नींद ठीक से नहीं आती, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मूड फ्लक्चुएशन, और अकेले में रहने की इच्छा, दैट इज एफिनिटी फॉर सॉलिट्यूड। स्ट्रेस कब पैदा होता है, जब एकाधी चीज बहुत ज़्यादा लंबी खींची जाए तब भी स्ट्रेस हो जाता है, जो बार बार होता रहे तब भी स्ट्रेस होता है, और बहुत अचानक उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आवाज़ बहुत जोर से आवाज आ गई, स्ट्रेस आ जाएगा। तो एक छोटा एग्जांपल दिया रहता है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपके सामने पेश करूंगा कि एक गिलास किसी ने पकड़ा, आपने 2 मिनट पकड़ा, पानी पिया, रख दिया, तो कोई स्ट्रेस नहीं है, मगर आपको बता दिया कि गिलास को पकड़ के रहो आधा घंटा तो स्ट्रेस आ जाएगा। उसी तरह आपके पड़ोस में कोई कुत्ता बार बार भौंक रहा है, तो एक बार आया भौंका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप पढ़ाई के लिए बैठे हो उसका भौंकने का बार बार आवाज आ रहा है, या किसी का रिवर्स हॉर्न बार बार बज रहा है उसी समय आप बहुत गहरी नींद में रहते हो और उस समय उनका हॉर्न आता है तो आप उठ जाते हो, तो ऐसे कुछ चीज़ें रहती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि इसके 4 प्रकार हैं स्ट्रेस के। देखिए आपके सामने एक है डे टू डे स्ट्रेस, जो रोजमर्रा की ज़िंदगी से कनेक्टेड है। दूसरा क्यूम्युलेटिव स्ट्रेस, जो बढ़ते जाता है, कल कम था आज ज़्यादा है परसों और ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा ट्रॉमेटिक, कोई अचानक झटका बैठ गया, धक्का बैठ गया, उसके कारण स्ट्रेस आता है। और चौथा है कोई नियर एंड डियर वंस की डेथ या सेपरेशन, ऐसी सूरत में जो आता है स्ट्रेस उसको बोलते हैं विकारियस स्ट्रेस। तो नॉइस पोल्यूशन, क्राउडिंग, हीट, एयर पोल्यूशन या बहुत ज़्यादा लाइट, इससे भी स्ट्रेस आता है। और स्ट्रेस आने के जो महत्वपूर्ण कारण है वो अभी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। एक कॉमन
unlimited expectations from limited resources. Okay? आमदनी कम खर्चा ज्यादा, 10,000 रुपये हैं और बहुत सारी चीजें खरीदनी है तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, रिसोर्सेस कम है, तनाव शुरू हो जाएगा. इसके अलावा फिजिकल एक्सर्शंस, शरीर के एक्सर्शंस, जैसे मैंने कहा कि आपको 5 जो सेंसेस हैं, शब्द स्पर्श रूप और सुगंध, उसका तनाव बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम. या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, लैक ऑफ फेथ, हरीज एंड वरीज. हाँ, एक बात इंटरेस्टिंग, अगर किसी को श्रद्धा ही नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या सिख हो, आप क्या करो, वो बात नहीं है. अगर आपका किसी भी शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है तो स्ट्रेस आने की या स्ट्रेस को मैनेज करने की आपकी टेक्निक और टूल कम हो जाता है. तो ऐसी सूरत में एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा. मतलब क्या हो गया कि एक स्कूल का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें स्कूल के बच्चों और टीचर्स को उस हॉस्पिटल में लाया गया. तो क्या हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मगर फिर भी जहाँ पे उस क्षति पहुँची थी उस बस को, वहाँ के 2 बच्चों की स्थिति बहुत नाजुक थी, बाकी लोगों को माइनर इंजुरीज थी, उनको डिस्चार्ज मिल गया था, मगर ये 2 बच्चे जिनको विशेष इंजुरी हुई थी, तकलीफ में थे, वो ऑपरेशन थिएटर में उसको ले गए. तो डॉक्टर्स ने थोड़े देर के बाद बाहर आके बताया कि 24 आवर्स तक, 24 घंटे तक ये बच्चों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, मतलब उनकी डेथ भी हो सकती है. अब कल्पना करो, उस समय जब ये 2 बच्चे ओटी में थे, उनके रिलेटिव्स, उन दोनों बच्चों की माताएं, पिता, फ्रेंड्स, टीचर्स, ये सब वहाँ पे हाजिर थे, बाकी लोग निकल गए थे. ऐसी सूरत में जब डॉक्टर्स आके बताते हैं कि ये 2 बच्चों की स्थिति बहुत गंभीर है और 24 घंटे तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तुरंत ये सुनने के बाद उसमें से एक माता को तुरंत हार्ट अटैक आ गया और दूसरी माता को ये देखा कि एक मम्मी को हार्ट अटैक आया है जिसका बेटा ऑपरेशन थिएटर में है, मगर उस लेडीज़ को हार्ट अटैक आया, ये दूसरी लेडीज़ को हार्ट अटैक नहीं आया. क्यों नहीं आया, क्योंकि ये दूसरी लेडी थी, उसकी कहीं ना कहीं श्रद्धा थी. तो उसने क्या किया, उसने अपना जो भार था, अगर कोई संत का नाम है, किसी भगवान का नाम है, तो उसने उसकी प्रार्थना की और कहा कि हे ईश्वर, अभी मेरी दार मदार आपके ऊपर ही है, डॉक्टर्स ने तो अपना जो काम है वो कर रहे हैं, मगर हे भगवान, अभी तू ही मेरे बच्चे को बचा. तो ये एक प्रोसेस में क्या हो गया बॉस, ये मैं अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोसेस में क्या हो गया, उस माता के मन का जो तनाव था उसने ट्रांसफर कर दिया उसके श्रद्धा के मार्फत, और जो माता यह नहीं कर पाई उसको हार्ट अटैक आ गया. तो 100 बात की एक बात क्या है, ये श्रद्धा कहीं ना कहीं होना बहुत जरूरी है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको हेल्प करती है. इसके आगे की बात, जो अपने लोगों से दूर हो जाते हैं वो भी स्ट्रेस को पाते हैं, तनाव बढ़ जाता है, कॉम्पिटिशन से बढ़ता है, इनसिक्योरिटी से बढ़ता है और निगेटिव सोच से बढ़ता है. इसके अलावा बदलाव से बढ़ता है, जैसे आपने देखा अभी अचानक कोविड आ गया तो दुर्भाग्यवश हमने देखा है कुछ लोगों के अपनों की डेथ हो गई है, कुछ लोग अभी भी पूरे नॉर्मल नहीं हुए हैं, तो किसी की नौकरी गई है, किसी का दाना पानी पूरा ख़त्म हो गया है, वो बेचारे अभी भी तकलीफ़ में हैं. तो ऐसी स्थिति में ये जो अचानक बदलाव आया है उसके कारण भी स्ट्रेस आ गया है. तो क्लाइमेट में बदलाव, खान पान में बदलाव या फिर कल्चर में बदलाव, आप एक कल्चर में रहते हैं और अचानक आपको दूसरे देश में या दूसरे कल्चर में आपको डाल दिया जाए, जैसे कि स्कूल के बच्चे, उनका स्कूल चेंज हो गया, पापा का ट्रांसफ़र हो गया, तो ये सब चेंज हो गया, तो वो बच्चा जब उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है तो उसको तनाव आ जाता है. उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारी पूरी दुनिया ऐसी है कि जिसमें चेंज इज द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन द वर्ल्ड. क्या कॉन्स्टेंट है, चेंज इज द ओनली थिंग कॉन्स्टेंट इन द वर्ल्ड. तो इस चेंज को जो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं उनको तनाव आता है. तो इन दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, व्हेन एक्सटर्नल चेंज इज फास्टर देन इंटरनल चेंज देन स्ट्रेस इज द रिजल्ट. तो इसलिए दुनिया का एक्सटर्नल चेंज हो रहा है तो हमें भी उसमें खुद में बदलाव लाना जरूरी है ताकि हम स्ट्रेस को फाइट कर सकें और आगे जा सकें. इसके अलावा वर्कलोड
बहुत है, मैंडेट है उसके कारण तकलीफ होती है, पुअर पर्सनल डेवलपमेंट है उससे प्रॉब्लम होता है, इग्नोरेंस है जानकारी नहीं है उससे प्रॉब्लम होता है, इंटेलिजेंस आईक्यू ही कम है उससे प्रॉब्लम होता है, पुअर सेल्फ डिसिप्लिन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखा गया है सबसे सक्सेसफुल कौन होता है, जिसको बहुत ज़्यादा अक्ल होती हो वो सक्सेसफुल होता है कि हाईएस्ट आईक्यू वो सक्सेसफुल होता है ना, जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, समाधानी और सुख की जिंदगी जी सकता है। तो जो अकल ज़्यादा है मगर सेल्फ डिसिप्लिन अनुशासन की कमी है उसको प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमारा प्रॉब्लम कम करने के लिए हम सब लोगों को चाहिए कि हम अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को तंदुरुस्त रखें, अच्छी रखें, ताकि हमें स्ट्रेस कम आए। इसके अलावा उसको स्ट्रेस कम रहता है, तनाव कम रहता है। इसके अलावा एडिक्शन, इनसिक्योरिटी, पुअर एकेडमिक्स, पुअर परफॉर्मेंस, फीलिंग निग्लेक्टेड या फिर लोनलीनेस, वरी फॉर फ्यूचर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, हॉस्पिटलाइजेशन, इंजुरी, क्रॉनिक इलनेसेस, मेजर फिजिकल डिसेबिलिटी और साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी, एनवायरमेंट एंड कल्चरल चेंजेस, इन सब के कारण स्ट्रेस आ सकता है। मगर स्ट्रेस में भी दो तरीके हैं, दो प्रकार हैं, एक अच्छा स्ट्रेस और एक बुरा स्ट्रेस। जो स्ट्रेस हमें काम पे लगाता है, हमसे काम अच्छा करवाता है, वो अच्छा स्ट्रेस। जिससे हमें तकलीफ होती है वो बुरा स्ट्रेस। मतलब काम अच्छा होता है तो अच्छा, काम नहीं हो रहा है और काम बिगड़ रहा है तो फिर निगेटिव स्ट्रेस। तो आपके सामने जो ग्राफ दिखा है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि अगर आपका स्ट्रेस बहुत ही कमजोर है, बहुत कम है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो आदमी सुस्त हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। मगर स्ट्रेस थोड़ा ऑप्टिमम है, बराबर है, ज़्यादा भी नहीं है, कम है, कम भी नहीं है, तो फिर वो परफॉर्मेंस उसका अच्छा रहता है। मगर बहुत स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस कम हो जाता है। यही इस ग्राफ में दिखाया गया है। इट एनेबल्स कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीजेस परफॉर्मेंस एंड एनर्जाइजेस यू इनटू मोशन। निगेटिव क्या है? मोटिवेशन लॉस, इफेक्टिवनेस लॉस और फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो इसको मैनेज करने के तरीके क्या हैं? सेट गोल्स, सेट स्मार्ट गोल्स दिखाएंगे आपको ब्रीफ में। थिंक ब्रॉड, थिंक पॉजिटिव, आपकी सोच को थोड़ा ब्रॉड रखो, एकदम संकुचित वृत्ति मत रखो। इसके अलावा गो क्लोज टू नेचर, निसर्ग के पास जाओ, कुदरत की चीज़ों से प्यार करो। उसके अलावा लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसके अलावा म्यूजिक, लाफ्टर एंड योगा, इसका आधार लो। संगीत से मन शांत हो जाता है, अच्छे संगीत से, ठीक है? तो जिसमें बहुत हल्ला शोर है वो संगीत से फायदा नहीं होता है। म्यूजिक थेरेपी हम करते हैं, परफ्यूम थेरेपी करते हैं, कलर थेरेपी करते हैं, इसके बारे में बताया जा रहे हैं, और लाफ्टर और योगा, इससे भी आपको फायदा मिलता है। और जिससे स्ट्रेस तैयार हो रहा है उसी को मैनेज करने से भी कम होता है स्ट्रेस। और एक बात है, HMT मैनेजमेंट हमने बताया, मगर और एक बात है, जितनी आपकी नीड्स को आप कम रखोगे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, इतना करोगे, जितनी ज़रूरतों को बढ़ाओगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। ज़रूरतों को लिमिटेड रखो, पर्याप्त मात्रा में सब कुछ आपको मिल रहा है, शांति रखो, तो स्ट्रेस कम रहेगा। उसके आगे चेंज पैराडाइम, दृष्टिकोण बदलो, दुनिया की तरफ देखने का, खुद के तरफ देखने का, लोगों के तरफ देखने का। अगर वो निगेटिव आपकी सोच है तो दृष्टिकोण को निगेटिव से पॉजिटिव बनाओ, तो आप स्ट्रेस को कम कर सकते हो। और आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको भी आप पॉजिटिव करो। मतलब क्या करो? एक्सरसाइज, फूड और रेस्ट, ये तीनों चीज़ों का बैलेंस करो, तो आपको स्ट्रेस कम होगा। और स्मार्ट गोल सेटिंग का जिक्र मैंने किया था, उसमें एस का मतलब क्या है जानते हैं आप? स्पेसिफिक गोल, ये करूंगा, वो करूंगा, बार बार चेंज करते रहोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। कोई बोलता है कि सर अभी मेरे को ये बॉटनी नहीं जम रहा है, मुझे जूलॉजी में डाल दो, मुझे अभी IT नहीं जम रहा है, मुझे मैकेनिकल में डाल दो, ये मैकेनिकल नहीं जम रहा है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल दो। ये बार 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 चेंज करते रहोगे ना तो स्ट्रेस रहेगा। तो इसलिए फिक्स रखो गोल, उसके लिए खुद की एनालिसिस करो, करियर काउंसलर को मिलो, साइकोलॉजिस्ट को मिलो, वो आपको हेल्प करेंगे, और वो एप्टीट्यूड टेस्ट करने के बाद फिर आप आपका गोल अच्छा सेट कर सकते हो। इसके अलावा मोटिवेटिंग एंड मेजरेबल रहना चाहिए आपका गोल। इसके अलावा अचीवेबल रहना चाहिए, रियलिस्टिक, मतलब दुनिया की जो रियलिटी है उसको पकड़ के होना चाहिए। सो योर गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, मोटिवेटिंग, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। रैशनल गोल का मतलब क्या है? जो सिर्फ खुद के ना सोचे, दुनिया के भी सोचे।
ठीक है, बिन लादेन की तरह गोल नहीं होना चाहिए कि भाई वो बिल्डिंग को गिरा दिया, कितने लोग मरे, तो मैंने गोल अचीव कर लिया। ऐसे जिसके गोल रहेंगे उनको स्ट्रेस मिलेगा। इसलिए सिर्फ खुद का नहीं सोचना, दूसरों का भी सोचना। ऐसे थिंकिंग को जो रखते हैं उसको बोलते हैं रैशनल थिंकिंग, बैलेंस थिंकिंग का मतलब है रैशनल थिंकिंग। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बोला है कि हमारे नीड्स को कम करना पड़ेगा, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात जो अनुभव से हमने सीखी है, जो पेशेंट्स आते हैं उनसे हमने सीखा है, क्या सीखा है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमने कहा था जो आपको पसंद है वो करो, तो उसने दारू पीना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रग लेना शुरू कर दिया, तो आपको वो पसंद है इसलिए आप वो करोगे, मगर वो सही बात नहीं है ना। तो इसलिए स्ट्रेस को कम करने के लिए आप अच्छी चीज़ों की हॉबी रखोगे, अच्छी चीज़ों के साथ रहोगे तो फिर ठीक है, नहीं तो गलत ऑप्शन चुनोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों क्यों विटी में हो जाएगा, क्वालिटी क्वांटिटी वैरायटी और टाइप्स में आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा अगर आप गलत चीज़ों को अपनाते हो। तो सही चीज़ और सही ऑप्शन अपनाओ रिलैक्सेशन को कराने के लिए। अब इंपॉर्टेंट बात सब जानते हैं, मैंने कहा था HMT मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। जिसका टाइम ठीक से मैनेज हुआ उसको स्ट्रेस कम रहेगा। ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, और आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहोगे, आगे आगे धकेलते रहोगे कि ये चैप्टर मैं बाद में कर लूंगी, तो अभी मैं आराम कर लेती हूँ, कितना अच्छा वीडियो है यार, या दोस्त से बात करते बैठ गए और फिर बाद में पता चलता है बहुत सारा टाइम निकल गया और टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में आपको स्ट्रेस बहुत पाएगा। तो इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट ये दो कैटेगरी को मिला के जैसे हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है वैसे आप मैट्रिक्स बनाओ और उन चीज़ों को समझो, जो अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है उनको पहले करो, उसके बाद में जो अर्जेंट नहीं है मगर इम्पॉर्टेंट है उनको करो, उसके बाद में जो अर्जेंट भी नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है मगर फिर भी करना जरूरी है उनको करो, और जो अर्जेंट है ही नहीं इंपॉर्टेंट है ही नहीं उनको मत करो, जैसे कि गॉसिप। और जो आपके अच्छे 10 स्ट्रेंथ्स हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है ऐसे 10 चीजों की लिस्ट तैयार करो, और जिनसे आपको तकलीफ होती है ऐसे भी 10 चीजों की लिस्ट तैयार करो, और जो अच्छी चीज है उसको करो, बुरी चीजें मत करो। और क्या करो, आपका सेटिस्फेक्शन अकाउंट बढ़ाओ, इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, सेटिस्फेक्शन अकाउंट बढ़ाओ, समाधान बढ़ाओ, अच्छा काम करो अच्छा समाधान बढ़ाओ, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और ABCD रूल को याद रखो, ए का मतलब एटीट्यूड, बी का मतलब बिहेवियर या एक्शन, सी का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट्स, और डी का मतलब डेस्टिनी। तो ABC बार 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 जब एक पैटर्न में चलता है तो डी बनता है। तो अगर हमें फ्यूचर मतलब डेस्टिनी चेंज करना है तो हमें ABC पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, और सी मतलब रिजल्ट्स को चेंज करना है तो हमको बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, बिहेवियर को चेंज करना है तो हमको सोच को चेंज करना पड़ेगा, और सोच को अगर बदलना है तो सोच कहाँ से आती है ये हमें समझना पड़ेगा। उसके लिए ये हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है, ये नेट पे आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। एनवायरमेंट से आपकी सोच बनती है, आपका अड़ोस पड़ोस नेबर्स फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, उसके अलावा आपका अनुभव एक्सपीरियंस से आपकी सोच बनती है, विचार बनता है, आपका एजुकेशन उससे आपके विचार बनते हैं, दूसरों की भावना समझने की क्षमता इससे आपके विचार बनते हैं, इवोल्यूशन मतलब आदतें मतलब जो रिजल्ट्स आ चुके हैं, इवोल्यूशन का मतलब उत्क्रांति होता है मगर यहाँ पे ये नहीं पकड़ा है, यहाँ पे इवोल्यूशन का मतलब है चेंजेस हैपन बिकॉज ऑफ अदर ईज, और एसेंशियल्स मतलब आपकी नीड्स, ये आपको दिलाती है सोच, और उससे बनता है आपका ABCD। ए मतलब एटीट्यूड, बी मतलब बिहेवियर, सी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, डी मतलब डेस्टिनी ऑफ फ्यूचर। तो आपका नजरिया बदलने के लिए हमने कहा था, ये देखिए ये सामने जो सिलेंडर नजर आ रहा है इसको हम आपके दाहिने से बाएं की तरफ देखते हैं तो आपको स्क्वायर दिखता है, और बाएं से दाहिने की तरफ देखते हैं तो आपको सर्कल दिखता है, हालांकि सिलेंडर दोनों नहीं है वो अलग ही है। तो इसी तरह हम अगर समझ लेंगे कि रियलिटी क्या है तो हमें स्ट्रेस कम करने का एक टूल मिल जाएगा। और एक याद रखो, आपका जो सोच रहता है वही आपका बिहेवियर दिलाता है, वही आपको अभी कहा था सी और डी दिलाता है, कॉन्सिक्वेंसेस और डेस्टिनी दिलाता है। तो इस एटीट्यूड को हमें संभालने के लिए खुद के साथ हम जो बात करते हैं वॉच योर सेल्फ टॉक उसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा कि हम जिस चीज को देख रहे हैं, व्यक्ति को देख रहे हैं, कॉलेज को देख रहे हैं, टीचर को देख रहे हैं, सब्जेक्ट को देख रहे हैं, जिस भी कोई भी चीज को आप देख रहे हैं परख रहे हैं उसके तरफ आपको देखने का नजरिया आपका सही है या गलत,
उसके लिए एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है कि चार ब्लाइंड लोगों को हाथी कैसा है पूछा गया, चारों अंधे थे, तो एक अंधे ने कहा जिसने पूछ को छुआ उसने कहा ये रोप की तरह है, जिसने पांव को टच किया उसको लगा ये पिलर की तरह है, जिसने कान को टच किया उसको लगा ये सूप की तरह है जो किचन में यूज किया जाता है, और जिसने सूंड को टच किया उसने महसूस किया कि यह एनाकोंडा की तरह है। हालांकि हम जानते हैं कि हाथी इस तरह नहीं है, ये तो सिर्फ उसके पार्ट्स के बारे में विवरण है। तो इसलिए यही गलती हम खुद तो नहीं कर रहे हैं खुद को समझने में, जिसके कारण हमारा तनाव बढ़ रहा है या डिप्रेशन आ रहा है। तो इसलिए हमारे मिसकंसेप्शंस को हमें निकालना पड़ेगा और हमारी सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा। सपोर्ट सिस्टम में तीन चीजें आती हैं, फ्रेंड्स, फैमिली और फेथ। फेथ के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फ्रेंड्स तो आप सभी जानते हैं, बट चूज राइट फ्रेंड्स। जो आपको गलत आदतें लगाते हैं, मर्द का बच्चा है तो एक कष्ट लेके दिखा, मर्द का बच्चा है तो एक पेग लेके दिखा, ऐसे दोस्तों के सामने मत जाओ, ये गलत दोस्त हैं जो आपको गलत आदतों में डाल रहे हैं, वो आपके सही दोस्त नहीं है, आपके दुश्मन है। तो सही दोस्तों का चुनाव करो और उनके साथ रहो, और आपके फैमिली के साथ भी आप शेयर करना सीखो। जो बच्चे बचपन से बताते हैं कि आज हमारे स्कूल में ये हुआ वो हुआ, घर में जाके रोज रिपोर्ट करते थे, ऐसे जो लोग थे ना उनको तनाव कम रहता है, तो आप भी वैसे बनो। इसके अलावा जैसे कोई मैके का रेफरेंस देते हैं शादीशुदा लेडीज को तो उनको कितना अच्छा लगता है जब मैके की बात करते हैं, वैसे ही हमें अच्छा लगता है जब हम पिकनिक में जाते हैं। पिकनिक पे अच्छा क्यों लगता है? एक तो लोगों का, फ्रेंड्स का साथ, दूसरा नेचर का साथ। तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये हमारा मैका है, इसीलिए हम, हमारा शरीर उसी से बना है और हम उसी में मिलने वाले हैं। इसलिए हम जब नेचर के पास जाएंगे तो हमारा स्ट्रेस कम रहेगा। तो गो क्लोज टू नेचर, ये हमारा आपको रिक्वेस्ट है, विनती है, सजेशन है, एडवाइस है। फील द नेचर, लिसन नेचुरल साउंड्स, टॉक टू नेचर, स्मेल द नेचर, सुंदर सुंदर फूल हैं, सुंदर सुंदर उसके सुगंध हैं, उनको महसूस करो, और सी द नेचर, वॉच द नेचर एंड गेट द प्लेजर। तो पांच इंद्रियों के साथ ये पांच थेरेपीज भी हम करते हैं, म्यूजिक एंड साउंड थेरेपी फॉर योर ईयर्स, स्किन के लिए मसाज, एक्यूप्रेशर, मर थेरेपी और मैग्नेट थेरेपी, आपकी आंखों का जिसमें उपयोग होता है उसमें विजुअल थेरेपी, कलर थेरेपी, मूवी थेरेपी भी आती है। इसके अलावा टेस्ट थेरेपी बाय टंग, थ्रू टंग, जिसमें अलग अलग व्यंजनों का आस्वाद आपको दिला के आपका तनाव कम करते हैं, और जिसमें गंध आती है और स्पर्श भी होता है, इसका कॉम्बिनेशन बनता है अरोमा थेरेपी, या सिर्फ परफ्यूम थेरेपी भी की जाती है। इसके लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं। सभी के लिए सभी परफ्यूम्स काम के नहीं होते हैं, ओके? जैसा हमारा चेहरा अलग है वैसे हमारा पूरा व्यक्तित्व अलग है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए एक ही परफ्यूम काम नहीं करता। तो कौन सा परफ्यूम यूज करना है उसके लिए हमें आपका परीक्षण करना पड़ेगा, और फिर हम आपको बता सकेंगे आपने सही परफ्यूम आपके लिए कौन सा रहेगा। और इसके अलावा हिप्नोथेरेपी, मतलब हिप्नोसिस का उपयोग भी हम आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए करते हैं। इसके लिए हमारा एक बढ़िया प्रोग्राम आता है 3 घंटे का, जिसका नाम है निरामय गंध रंग तरंग। निरामय का मतलब है आरोग्य, हेल्थ। किसके थ्रू? गंध चिकित्सा मतलब परफ्यूम थेरेपी, रंग चिकित्सा मतलब कलर थेरेपी, और तरंग चिकित्सा मतलब म्यूजिक थेरेपी। इसके अलावा जैसे यहाँ पे आपको वीडियोस दिखाए गए हैं म्यूजिक के लिए, कलर्स के लिए, लाफ्टर थेरेपी, और इसके अलावा बेस्ट ऑप्शन योगा थेरेपी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंगों का अष्टांग योग है, इससे बहुत अच्छा थेरेपी बनता है। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, मगर इससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो आखिर में याद क्या रखेंगे? गीता सार, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, और आने वाले कल और परसों में किसी और का होने वाला है। परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन के साथ खुद को बदलाव करो, चेंज मैनेजमेंट को सीखो, मास्टर करो और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करो, तो हम अच्छा कर पाएंगे। ध्यान धारणा करो, उससे फायदा होगा। नो योगा नो पीस, पहला नो कौन सा है? NO, नो वाला, और दूसरा नो कौन सा है? KNOW, नो वाला। नो योगा नो पीस एंड नाउ योगा नाउ पीस, हर क्षण क्षण में योगा के साथ रहो।
अगर आपको एक घंटा विदाउट स्ट्रेस रहना है, सुखी रहना है, तो क्या करो? सो जाओ। अगर एक दिन सुखी रहना तो क्या करो? पिकनिक पर जाओ। अगर एक हफ्ता सुखी रहना तो क्या करो? वैकेशन पे जाओ। अगर एक महीना सुखी रहना है तो शादी करो, अगर शादी नहीं की होगी तो। मगर एक साल खुश रहना है तो प्रॉपरली फाइनेंस मैनेज करो, अगर बहुत पैसा है तो। मगर पूरे जिंदगी भर अगर खुश रहना है तो क्या करो? लव योर जॉब, लव व्हाट यू डू, देन ओनली यू कैन बी हैप्पी। सो स्टॉप स्ट्रेसिंग एंड स्टार्ट लिविंग, और लेट अस क्रॉस माइलस्टोन्स टुगेदर। ये 100 साल की जिंदगी है और उसका एक एक माइलस्टोन है। एक दूसरे को हम हेल्प करें, सिर्फ खुद के ऊपर केंद्रित ना करें, किसी और के लिए भी जीना सीखें तो हमें उसका फायदा होगा। इसको शांति से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर विग्ने कैन हेल्प यू एंड योर फ्रेंड्स फॉर कंडक्टिंग एप्टीट्यूड टेस्ट एंड करियर काउंसलिंग, फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन स्टडी मेथड्स एंड रिलीविंग एग्जाम स्ट्रेस, फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन, फॉर इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, for behavior and relationships problems, for depression and other psychological problems, pre and post marriage counseling, for soft skills and personality development activities, and to become a corporate or soft skills trainer. For aptitude test, career consultation or any other problems, please contact Dr. Nitin Vighne. His office address is 30 Radha Krishna Sahanivas, Prashant Nagar, Nagpur, Maharashtra. PIN 440015. His mobile number is 9822462968. I repeat, 9822462968. His email address is nitinvighne@gmail.com. His two websites are www.smartfinishingschools.com, www.psychologyandhealth.com. So, you're welcome at Laksh Career Counseling and Aptitude Testing Center at Smart Finishing School. Thank you.